अभी हम जा रहे हैं कानपुर, लाइक अभी हमारी ऑटो में गैस भराई जा रही है और थोड़ी देर में हम कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर में हम मेट्रो ब्लॉग बनाएंगे और लाइक मेट्रो ब्लॉग कैप्चर करूंगा और कुछ चीज़ें ढूंढूंगा, अगर होगी तो ठीक है, वरना मैं कानपुर से भी निकल जाऊंगा। मतलब कानपुर में मैं जा रहा हूं और वहां से निकल जाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा भीड़ वाले इलाके में। ठीक है, तो अभी पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं वहीं पर। उस साइड में फ्लैट बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, देख रहे हो। लाइक मैं इस साइड से अगर दिखाऊँ तो पेट्रोल पम्प आ रहा है ना, तो उस अकॉर्डिंग नहीं दिखेंगे। खूबसूरत है ना, ये है रास्ता कानपुर जाने की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये वीडियो थोड़ी हिल सकती है क्योंकि मैं उल्टे हाथ से ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हम है कानपुर में है इस टाइम पर। लाइक आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, मैं अलग अलग प्लेस पे ऐसे ही भटकता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। तो अभी हम है कानपुर में, ये मेट्रो देख सकते हो और ये कानपुर से कन्नौज वाला रास्ता है। तो मैं अभी, ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, आगे शायद मुझे पता नहीं आगे कौन सा आने वाला है, ऐसे से हॉस्पिटल आने वाला है शायद, ऐसी कोई हॉस्पिटल नाम से मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद में आएगा शायद कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन आएगा। तो हम ये चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं, अब मैं बैक से शूट करके दिखाता हूँ। तो हम ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं, लाइक ये जिस तरह से रास्ता इन्होंने मेंटेन किया हुआ बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये इन्होंने मेट्रो पुल बनाया हुआ बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इस साइड में रेलवे ट्रैक है, ये हरियाली, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको कैप्चर करते हैं। और लाइक अभी क्या बारिश हो रही है, मतलब बहुत हल्की हल्की हो रही है, सुबह से तो हो ही रही थी, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब हम यहाँ से थोड़ा निकल रहे हैं, तो अभी जैसा हम मतलब इसको कैप्चर करते हुए निकलते हैं आगे, और आगे हम जा रहे हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, लाइक कल्याणपुर, आपको पता होगा कितनी भीड़ होती है, तो कल्याणपुर हम जा रहे हैं। और आप सोचो कि भैया मेट्रो क्यों नहीं लिया आपने, तो एक्चुअली मैं मेट्रो से ही उधर गया था, मेट्रो इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देखनी थी, मतलब किस तरह से है, इसलिए मैं पैदल चल रहा हूँ इस रास्ते में, क्योंकि ज़्यादा दूर मेट्रो स्टेशन है नहीं, कल्याणपुर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं पैदल चलता हूँ ये सारी चीज़ें देखते हुए, इनको कैप्चर करते हुए। तो ऐसा करता हूँ, आगे चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, हो और मुझे ये नहीं पता ये ट्रेन कौन सी है, मैंने नाम नहीं पढ़ा, लेकिन है बहुत अच्छी, पूरी पूरी गाड़ी खाली है यार, पूरी गाड़ी खाली है यहाँ पे तो। और इस गाड़ी में मतलब ये इस गाड़ी में दोनों तरफ इंजन है, मतलब दोनों तरफ, जैसे मुंबई में चलती है ना, मुंबई में लोकल चलती है, उसी अकॉर्डिंग ये भी है, मतलब दोनों तरफ इसके दोनों तरफ इंजन है और दोनों तरफ एंटीना है, मतलब जैसे मुंबई में चलती वैसी ही है, और खाली भी थी काफ़ी। तो चलो, एक हमने SPM हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन था जो हमने पार कर लिया पैदल चलते चलते, और अगला आने वाला है कल्याणपुर, कल्याणपुर से हम अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं बैक साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक ये देखो, यहाँ से क्या घुमा हुआ है रास्ता, वहाँ उस साइड में गया है, ये वाली जो फ्लैट बन दिखे थे ना, ये हमने मेट्रो से कैप्चर किए थे। तो आगे मिलते हैं। तो ये ट्रैफिक देख के आप समझ जाओगे कि हम कल्याणपुर पहुँच चुके हैं, वो जो मेट्रो स्टेशन है ना आगे वाला, वो कल्याणपुर है, वो है कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, और ये है क्रॉसिंग। तो हम क्रॉसिंग से अंदर जा रहे हैं, हम मेट्रो स्टेशन तो नहीं जा रहे क्योंकि हम मेट्रो स्टेशन से ही गए थे, अब हम क्रॉसिंग से इधर जा रहे हैं, इधर हम ट्रैफिक दिखाएंगे आपको कानपुर का ट्रैफिक चलो भाई चलो, बरसात में कीचड़ कीचड़ हो रहा है, ये देखो कानपुर का ट्रैफिक यहाँ पे हमेशा ही रहता है। है? देख रहा हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं क्रॉसिंग के अंदर, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, और जब क्रॉसिंग होती तब भी रहता है, दोपहर में बहुत रहता है, शाम को बहुत रहता है, सुबह सुबह जो जाओगे तो खाली मिलेगा, उसके बाद में 10-9 बजे के बाद में यहाँ पे क्राउड होना बढ़ने लग जाता है।
सो वो है मेट्रो और हमें जाना है इधर। लाइक ये सीधा गया है सिटी के लिए, मतलब और आगे सिटी है इसमें, बट हमें जाना है इधर, हम उधर नहीं जा रहे हैं। हो देख रहे हो, ये है कल्याणपुर, बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। बारिश की वजह से ऐसा है, वरना खूबसूरत और दिखता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि लाइक जैसे कोटा में कोचिंग क्लासेस चलती है ना, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे काकादेव में और एक कल्याणपुर में बहुत कोचिंग क्लासेस चलती हैं, काकादेव और कल्याणपुर। मेरा दोस्त था एक भीलवाड़ा से, वो कानपुर आया था कोचिंग के लिए। देन मैंने उसको बोला, भाई तू भील कोटा चला जाता, कोटा तो 150-200 किलोमीटर दूर है। वो कानपुर आया अपने दोस्त के साथ में, क्योंकि वो था अजमेर से, वो था आगरा से, तो उसके साथ यहाँ पे आया। तो उसने कहा मैं देख के आया हूँ कानपुर एक्चुअल में ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कानपुर, मैं भी बोलता हूँ हाँ ठीक है। मेरे सर ने बोला था मुझे एक बार कानपुर के बारे में, तब मैं यहाँ पर रहता नहीं था, ना ही मैं यहाँ पर आता था। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पर आया और रहने लग गया, रहता नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान बाय करता हूँ, उसके बाद ही निकलता हूँ, ठीक है। मैं शॉप ढूंढता हूँ, फिर मिलता हूँ।